कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अधिवक्ताओं में आक्रोश। स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र, तो पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बयान दिया है। धर्म जागरण समन्वय समिति के विधि प्रमुख ने सीपी को प्रार्थना पत्र दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है और पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। पुलिस कमिश्नर साहब से मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, यद्यप उनके द्वारा तमाम बार विवादित बयान दिए गए, वही उनका पेशा बन चुका है, लेकिन कल के बयान में संपूर्ण हिंदू समाज को, संपूर्ण सनातन धर्म को और खास तौर से ब्राह्मणों को के खिलाफ जो उनकी टिप्पणी की गई, उससे हमारे एडवोकेट नरेश मिश्र, जो हमारे विधि हिंदू जन जागरण समिति के सदस्य हैं, उनको लेके और उनके साथ हम सभी लोग आए और हमने मांग की है और एक प्रार्थना पत्र दिया है कि ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जिसका मानसिक चेतना खो चुके हैं या फिर वो जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं, देश में अफरा तफरी कराना चाहते हैं, ऐसे स्वामी प्रसाद खिलाफ के मौर्य के खिलाफ मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जाए। तो वक्त ब्रेक का बने रहे।